तेलुगु देशम पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य राहुल चंद्रशेखर रेड्डी ने सरकार पर तेलंगाना की जनता पर कर्ज लादने का आरोप लगाते हुए कर्ज का संपूर्ण विवरण विधानसभा में देने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री इटेला राजेंद्र ने विधान परिषद में बताया है कि तेलंगाना पर 1,35,544 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसके चलते प्रतिवर्ष 8,609 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में अदा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एपी से तेलंगाना के विभाजन के समय जितना कर्ज था उतना ही और कर्ज केवल 3 साल के शासन में तेलंगाना सरकार ने राज्य की जनता पर लाद दिया है। उन्होंने प्रश्न किया कि आखिरकार इस कर्ज का कहां उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि एक ओर किसान फसलों का नुकसान न झेल पाने से दुखी है, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से गरीबों की मौत हो रही है।